साथियों नमस्कार। प्रेम व विश्वास का भाव मनुष्य के साथ साथ जीव जंतुओं में भी पाया जाता है। पालतू पशु हो या पक्षी अपने पालक पर सरलता से विश्वास कर लेते हैं, परंतु वन्य पशु पक्षियों का ऐसा प्रेम व विश्वास कम ही देखने को मिलता है। विशेषकर मोर मनुष्यों पर कम ही विश्वास करते हैं। इस वीडियो में मोर की निर्भीकता व विश्वास का जो सजीव दृश्य है, वे सुकून देने वाला, वे आनंद से भर देने वाला है। इस दृश्य स्थल को देखकर ये भी समझ में आता है कि सच्चा प्रेम विश्वास एवं आनंद मेलों में घटित नहीं होकर साधारण घरों में रहने वाले सहज सरल लोगों के हृदय में घटित होता है। हृदय की सरलता को पशु पक्षी भी आसानी से महसूस कर लेते हैं। जो सुख व आनंद अभी मोर को दाना खिलाने वाली इस महिला को प्राप्त हो रहा है, ऐसा आनंद हमारे लिए दुर्लभ है। होंगे किसी के पास लाखों करोड़ों रुपए, पर ऐसा आनंद उनके लिए कल्पना मात्र है, क्योंकि धन से सुख के साधन तो खरीदे जा सकते हैं, लेकिन आनंद धन की सीमा के परे की वस्तु है। जहाँ सुख की सीमाएं समाप्त होती है, वहाँ से आनंद की शुरुआत होती है। इसलिए आनंद की खोज करने वाले लोग शीघ्र ही सुख के साधनों एवं सांसारिक मोह माया का त्याग कर देते हैं। महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, गुरु नानक, कबीर, तुलसी, रैदास व मीरा ऐसे ही उदाहरण है। श्री राम द्वारा भेलने के झूठे बेर खाना व श्री कृष्ण द्वारा दुर्योधन के 56 व्यंजनों का त्याग करके विदुर के घर रूखी सूखी रोटी बड़े प्रेम एवं आत्मीयता से खाना, ये सिद्ध करता है कि आनंद धन व ऐश्वर्य में न होकर सहज सरल लोगों के हृदय में निवास करता है। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि असीमित धन की आकांक्षा ने मनुष्य को अंधा बना दिया है। धन जोड़ने की लालसा ने नीति नियम धर्म व विवेक को ताक पर रख दिया है। आए दिन घटने वाली लूट खसोट व फ्रेब की घटनाओं ने इंसानियत को तार तार कर दिया है। अगर आप आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं तो धन संचय की प्रवृत्ति को छोड़कर त्याग करना सीखिए। पीड़ित मानवता एवं असहाय पशु पक्षियों की सेवा के द्वारा हम उस आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं जो नानक, तुलसी व कबीर आदि संतों के हृदय में घटित हुआ। मृत्यु की तिथि वार व समय लोहे की लकीरों से हमारे भाग्य में जन्म के साथ ही लिख दिया गया है, परंतु कुछ लोगों के कृत्यों से ऐसा महसूस होता है जैसे वे अमर होने के लिए इस धरती पर आए हैं। इस भ्रम में, इस संसार में बहुत से लोग जिए हैं। इस भ्रम ने किसी को विश्व विजेता वे किसी को धर्म विजेता का झूठा ख्वाब दिया। इस भ्रम ने मानवता का बहुत विनाश किया, पर समय के साथ सब खाक हो गए, सब रेत हो गए। फिर आपकी वे मेरी हस्ती ही क्या है, दृश्य छोटा था पर विषय बड़ा हो गया। पर बात मैंने वही कही है जो किताबों में हजारों वर्ष पहले लिख दी गई थी। अगर आपको मेरे विचार उपयोगी लगे तो इस वीडियो को लाइक में शेयर करना एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।